नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीर सौदागर के साथ। हम इस समय मौजूद है रीवा के सबसे पुराने स्कूल में। मैं आपको स्कूल के इतिहास के बारे में बताऊं। 1844 को इस स्कूल को दरबार हाई स्कूल के नाम से बनाया गया, ठीक 50 साल बाद। जी हाँ, 1835 में इस स्कूल का नाम बदल के दरबार प्रमोट कर दिया गया, तो दरबार इंटरमीडिएट कॉलेज ये कहलाने लगा और उसके बाद से यह सिलसिला चलता रहा। 23/12/65 को इस स्कूल का नाम बदल के, माफ करिएगा, सन 44 में इस स्कूल का नाम बदल के मारतंड स्कूल रख दिया गया। कहा जा सकता है यह स्कूल लगभग 150 साल देख चुका है। इस स्कूल में को 3 पार्टों में आज रीवा शहर के विभिन्न जगहों पर संचालित किया जा रहा है। हम उसके सबसे प्रमुख बिल्डिंग में मौजूद हैं। इस स्कूल में लगभग 1200 छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं। हमारे साथ स्कूल के प्राचार्य जीपी उपाध्याय जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे। आज स्कूल का दूसरा दिन है, कोरोना काल की वजह से यह स्कूल बंद था। आज स्कूल का दूसरा दिन है। दूसरे दिन स्कूल की क्या इस समय वर्तमान में क्या हालात है, कितने बच्चे, किस तरीके का यहाँ पर आपने इंतजाम करके रखा? देखिए, शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोविड की सुरक्षा के पूरे इंतजाम मैंने विद्यालय के लिए किया है। छात्रों को जब प्रवेश करते हैं तो उनकी पहले थर्मल स्क्रीनिंग होती है, तो सैनिटाइजर के माध्यम से, साबुन के माध्यम से उनके हाथ धोने की व्यवस्था है। कमरों में जब प्रवेश करते हैं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए 2 फीट की दूरी बनाकर उनको क्लासरूम में बैठाया जाता है, और बैठाने से पहले हर कमरे की सैनिटाइजेशन किया जाता है, और यहाँ तक कि मतलब एक दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन किया जाता है। जब शिफ्ट बदलती है उसके बाद सैनिटाइजेशन किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की असुरक्षा हमारे बच्चों के लिए ना होने पाए। लेकिन फिर भी जो शासन के निर्देश के अनुसार अभिभावकों की सहमति आवश्यक है कि बिना सहमति के आप बच्चों के अलाउ मत करिए स्कूल आने के लिए, कक्षा 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं संचालित कराने का निर्देश है। हमने कल 18 तारीख को पेरेंट्स मीटिंग बुलाई, जिसमें बहुत कम पेरेंट्स उपस्थित हुए। फिर भी आज कक्षा 12 में, जिसमें कि 353 विद्यार्थी दर्ज हैं, उनमें से मात्र 26 विद्यार्थी अभिभावकों की सहमति लेकर उपस्थित हुए। कक्षा 10 में 233 बच्चे दर्ज हैं, जिनमें से केवल 47 बच्चे अभिभावकों की सहमति लेकर के उपस्थित हुए। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए हमने हफ्ते में 3 दिन अलाट किया है, तो आज 11वीं कक्षा के बच्चों का दिन था, जिसमें से केवल 19 बच्चे आए, वो भी 350 में। ये उपस्थिति बच्चों की है, तो इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि अभिभावकों का और बच्चों का स्कूल आने का कोई इरादा ही नहीं बन रहा है, जबकि उनकी सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। स्कूल ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम करके रखे हैं, लेकिन जैसा कि अभी प्राचार्य महोदय बता रहे थे, यहाँ पेरेंट्स का या ये कहें छात्रों का कोई मन नहीं बन रहा, जबकि साफ तौर से ये निर्देशित किया सरकार ने, पेरेंट्स की अनुमति के साथ ही बच्चा स्कूल में आएगा। पेरेंट्स अनुमति नहीं दे रहे हैं, बच्चा स्कूल आना नहीं चाहता। शहर का हाल देखकर ऐसा लगता है कोरोना नाम की बीमारी इस शहर में नहीं है, फिर भी यहाँ पर 8 से 10 पेशेंट पर डे निकल रहे हैं। शायद उसका डर यहाँ पर स्कूल आने के लिए एक बड़ी वजह हो सकती है। अब देखना होगा, जिस तरीके से धीरे धीरे जनवरी का माह आ गया, 2 या 3 माह बाद यहाँ पर फाइनल एग्जाम की तैयारी होगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा, सरकार ने साफ तौर से कहा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा हर हालत में होगी। अब देखना होगा बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए यहाँ के पेरेंट्स, छात्र किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं और स्कूल में आते हैं, या घर बैठे ही ऑनलाइन ही तैयारी करेंगे। हम उसके बारे में भी आपको जल्द ही, जैसे भी जो भी होगा, वो बताने की कोशिश करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं शहर के सबसे पुराने स्कूल पीके स्कूल में। किसी जमाने पे यहाँ लड़के लड़कियाँ सब पढ़ा करते थे, लेकिन अब ये लड़कियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस स्कूल में लगभग 1400 छात्राएं पढ़ती हैं। 10वीं और 12वीं की क्या पोजीशन है, हम जानने के लिए यहाँ पर सीधे प्राचार्य महोदय से ही हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। यार, स्कूल में इस समय 10वीं 12वीं को लेकर क्या पोजीशन है, जबकि सरकार ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि क्लासों को विधिवत चालू किया जाए? जी, बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पढ़ाया जा रहा है। बच्चे को सहमत पत्र न ले आने के कारण
वो बच्चे नहीं आ पा रहे थे, जो सहमत पत्र लेके आते हैं उनके क्लास चालू होते हैं। आज बच्चे कम हैं और कल 5 बच्चे आए थे। कितने बच्चे 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं? 10वीं में 216 दर्ज है, जिसमें बच्चे हैं, सभी बच्चियां हैं, और ऐसे 12वीं में 439 बच्चियां दर्ज हैं। लगभग 650 छात्राएं 10वीं और 12वीं को मिलाकर स्कूल में मौजूद हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोरोना काल के दौरान तमाम नियमों को पालन करते हुए स्कूलों को खोला जाए। कोरोना की तमाम जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क, इन सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए स्कूल को खोला जा सकता है। लेकिन कोरोना का इतना भय, पहले दिन जहां 5 बच्चे 650 में, दूसरे दिन एक भी बच्चे का स्कूल में पता नहीं, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कोरोना का असर रीवा शहर में किस तरीके से व्याप्त है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।